नमस्कार, मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 4। न्यूज़ इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरोज की ग्राम पंचायत बमूलिया के ग्राम झागर और ढिमरोली केथन नदी में पनडुब्बी डालकर अवैध तरीके से लंबे समय से दबंगों द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही सिरोंज SDM कुमार शानू द्वारा राजस्व की टीम के साथ छापामार कार्रवाई कर 3 पनडुब्बियों में से 2 को मौके पर ही नष्ट किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बमूलिया के केथन नदी घाट पर लंबे समय से दबंगों द्वारा बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिससे शासन को लाखों रुपये का राजस्व का चूना लगाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलते ही SDM ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना मिली थी कि कुछ अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, तो हमारे द्वारा नायब तहसीलदार और आर्य कमरे द्वारा वहाँ निरीक्षण किया गया। तो डिंगोली गांव करके वहाँ पे एक खोखले में पनडुब्बी पाई गई थी और आगे एक अगदार ऐसा कुछ गांव है वहाँ पे 2 पनडुब्बी आई, लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में नाम टाइप कर रहा है, तो वो हमने वहीं पे नष्ट की और पोखरण जब्त की। सर, वहाँ पर कितनी पनडुब्बी पाई गई थी? वहाँ पर यहाँ पे आगे जो थी वो 2 थी, यहाँ 1 थी, तो 3 थे। 3 में से 2 नष्ट की गई। 2 नष्ट की गई, 1 की गहरे पानी में थी जी, तो कार्रवाई उसको इसके हमने जब्त किया। सर, वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी कुछ जब्त किए हैं? नहीं, ट्रैक्टर ट्राली से कुछ नहीं मिला वहाँ पर जी। आप हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया 4 पर बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब